तो यहाँ इस औरत को एक बकेट मिला होता है, तभी औरत इस बकेट में कचरा डालती है और वो कचरा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है और जैसे उल्टा करती है वैसे वो कचरा आ जाता है। फिर ये औरत इस बकेट को लेके एक शॉप में पहुँच जाती है और इसमें बहुत सारी चीजें डालने लगती है। तभी शॉप ओनर कहता है कि इसमें इतनी चीजें मत डालो, तभी वो कहती है मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है। फिर शॉप ओनर इससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फिर ये औरत शॉप से बाहर निकल रही होती है, तभी ये देखती है कि डिलीवरी वाला किसी की पार्सल बाहर रख के जा रहा है और फिर ये औरत जल्दी से जाती है और उस पार्सल को उठा के अपने घर ले जाती है। फिर ये औरत वहाँ से ऑफिस चली जाती है और वहाँ पेपर चुरा रही होती है, तभी इसकी मालकिन आती है और ये अपनी मालकिन से कहती है मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ, देखना हो तो मेरी ये डस्टबिन भी देख लो। फिर ये अपनी डस्टबिन दिखाती है। फिर इसकी मालकिन कहती है मुझे देखने में कोई गलत फहमी हो गई होगी, कोई बात नहीं। फिर वहाँ से चली जाती है, तभी औरत और पेपर चुराने जैसे ही जाती है वैसे ही अचानक वहाँ एक और लड़की आ जाती है और ये लड़की कहती है मुझे मालूम है तुम्हीं ने सारे पेपर चुराए, और फिर इसे कचरे के डब्बे में ही गायब कर देती है।